स्वांगा के गांव पापी में रविवार की रात पत्नी ने अपने बेटे के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने हत्या के मामले में पत्नी रुचि व बेटे नितेश को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि सोमवार को पापी गांव की गली में शव मिला था। मृतक के चाचा के लड़के सुनील पुलिस को बताया था कि रविवार शाम करीब 8 बजे मृतक नरेश अपने साथी नरेंद्र के साथ गया हुआ था। थोड़ी देर बाद घर वापस आ गया था। रात करीब 11 बजे अपना मोबाइल व अपना सामान रख फिर से चला गया और फिर वह वापस नहीं आया। सोमवार सुबह करीब 5:30 बजे पड़ोसियों ने नरेश का शव गली में पड़े होने की सूचना दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का हुआ था खुलासा। SHO नरेंद्र कुमार ने बताया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का खुलासा हुआ था। गहनता से पूछताछ में मृतक नरेश की पत्नी रुचि ने बताया मृत पति नरेश आए दिन उसके साथ लड़ाई झगड़ा करता था। रविवार रात भी उसने उसके साथ गाली गलौज और लड़ाई झगड़ा किया था। रुचि ने लड़ाई झगड़े की बात फोन कर अपने बेटे नितेश को बताते हुए पति को मौत के घाट उतारने की योजना बनाई और नरेला से बेटे को बुला लिया। बेटे के आने पर फिर से तीनों में लड़ाई झगड़ा हो गया। पत्नी ने अपने पति नरेश का मुंह दबा लिया, गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। SHO ने बताया नरेश की मौत के बाद उसके मथे पर कुंडी के सोटे से वार किया। शव को उठाकर ठिकाने लगाने के लिए घर से बाहर ले जा रहे थे मगर नरेश का शव गली में ही गिर गया। मां संग मिलकर पिता को मौत की घाट उतार कर नितेश वापस नरेला चला गया ताकि किसी को शक ना हो सके। उन्होंने बताया मृतक नरेश की पत्नी और बेटे को बुधवार गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 6 नवंबर में सूचना प्राप्त हुई थी मेघावती गांव में एक मृत परेशानी व्यक्ति मिला है, जहां पुलिस मौके पर पहुंचकर वहां देखा और एक व्यक्ति रिश्ते माथे पर चोट थी और उम्र तो अस्पताल में था जिसको वहाँ पोस्टमार्टम में भिजवाया। जब पोस्टमार्टम में गला दबाने और मुँह दबाने से हत्या होने पाई थी, जिस पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश अमल में लाएगी। संदिग्ध पूछताछ करेगी जिसमें हमने जो हत्या थी जो बेटे और माँ ने द्वारा होने पाएगी, जिनको हमें गिरफ्तार किया। मालका से सिटी तहलका के लिए रतन लाल की रिपोर्ट।